कंडक्टर्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं अभी। टॉपिक वैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, कंडक्टर्स के बारे में तो स्टार्ट कर रहे हैं, बट कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ले रहे हो आप। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी इसकी देखो, क्विकली जरा है ना। कंडक्टर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में है तो कितनी कितनी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएंगी। पहली वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, नोट कर लेना कहीं पर भाई इसको, जो भी आपको प्रॉपर्टी बता रहे ना कहीं नोट जरूर करिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर की वैल्यू 0 आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। तुम्हें से कोई बताएगा इसका क्या मतलब है यार, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 का मतलब क्या हुआ? सर अंदर इक्वली स्ट्रॉन्ग दूसरी साइड इंड्यूस हो जाती है तो नेट जीरो हो जाता है, चार्जिंग हाँ मतलब कैपेसिटी नेट का। किनके बीच का नेट के ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मैं यही पूछना चाह रहा था। नेट मतलब हम किनके बीच का नेट ले रहे हैं यहाँ पर, नेट मतलब रिजल्टेंट की बात हो रही है ना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, तो ये किनके किनका किन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। सर सर अंदर एक साइड वो देखो दो तो एक और एक्सटर्नल बताना फील्ड कि एंड बिल्कुल इंटरनल फील्ड का रिजल्टेंट। राइट राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, जिसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द कंडक्टर, इनको मिला देंगे जब आप, तो ये टोटल वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए, बट फॉर द पॉइंट्स विच आर इनसाइड द कंडक्टर। और ऐसा क्यों होता है, तो ये प्रॉपर्टी क्यों सर आती अगर है? ऐसा नहीं होगा सर हाँ तो जो कंडक्टर के इनसाइड चार्जेस है सर वो मूव कर जाएंगे सर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वायलेट हो जाएगी। राइट राइट, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही। एक्चुअली होता है ऐसा कुछ है ना, इसको बहुत ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करो तो, ब्रीफली कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज है कि अब मान लो हमारे पास कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम ये मानते हैं कि एक पहले से एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्री एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, आप पूरा ये लिख सकते हो। और इसके अंदर अगर आप एक न्यूट्रल कंडक्टर लाओ, न्यूट्रल कंडक्टर, हमारे पास एक प्री एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास ऑलरेडी एक न्यूट्रल कंडक्टर भी है, कंडक्टर उसको मेटल भी कह सकते हो आप। अब अगर इस न्यूट्रल मेटल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो क्या बिहेवियर मिलेंगे इसमें, मेटल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड लाने पर क्या रिस्पॉन्स होगा यहाँ पर, किस तरीके का रिएक्शन मिलेगा हमें? चार्जेस बन जाएंगे चार्ज, इंडक्शन। ठीक है। तो पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा हमारे पास एक न्यूट्रल मेटल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई नेट चार्ज नहीं है इसके ऊपर। अब आप इस मेटल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओगे, इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिनोमिना बदल जाता है। और फिनोमिना क्या बदलेगा वो देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस मेटल के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब आकर के अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सब राइट साइड डायरेक्शन में एक्यूमुलेट कर जाएंगे। ये चीज तब होगी जब आप इस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के जाओगे, जब ये न्यूट्रल मेटल आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तब ये चीज नहीं होगी। तब क्या होगा, इसका प्लस और माइनस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जहां पर पॉजिटिव वही माइनस, कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं इसको कि प्लस माइनस आर टुगेदर, प्लस जहां पर प्लस है वहां माइनस भी है, जहां प्लस है वहां माइनस भी है, तो ओवरऑल नेट चार्ज 0 है इस पे। लेकिन वही मेटल जब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेटल इज नाउ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करते हो, और वो भी पहले से एग्जिस्ट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिर्फ इतना हुआ कि ये प्लस और माइनस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, नेगेटिव वाले चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट साइड पर चले गए और पॉजिटिव वाले चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले गए,
मतलब जो साथ साथ थे वो अलग अलग हो गए और एक तरीके से इंटरनली एक डाइपोल क्रिएट हो गया। इस मेटल के अंदर एक डाइपोल बन चुका है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया। यानी मेटल को आप कह सकते हो कि दिस मेटल विल नाउ बिहेव एज अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब ये डाइपोल बनेगा तो ये डाइपोल खुद की भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकता बिकॉज प्लस माइनस अगर साथ साथ ही होंगे, जहां पर प्लस वहीं पर माइनस, तो टोटल चार्ज जीरो हो गया। बट ये माइनस अलग हो गया, प्लस अलग हो गया, डाइपोल बन गया, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पहले से एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। और ये फिनोमिना तब तक कंटिन्यू होगा जब तक ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से इनसाइड द मेटल, इंड्यूस चार्जेस की वजह से इनसाइड द मेटल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसको EM, M फॉर मेटल, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मेटल। और मेटल से इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए आएगी बिकॉज पॉजिटिव चार्ज राइट साइड, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड, चार्जेस इंड्यूस हुए यहाँ पर। और एक पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑलरेडी बाहर से एग्जिस्ट कर रही थी, फाइनली ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट करेंगे। दैट मीन्स जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से एग्जिस्ट कर रहा था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन से आएगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मेटल की वैल्यू जीरो कह दोगे आप। इंड्यूस चार्जेस इनसाइड द मेटल उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे जितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से क्रिएटेड था। ऐसा क्यों? जस्ट अपोजिट करेंगे। और ये जो प्लस और माइनस साथ साथ थे, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब साथ साथ थे, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट गए थे बिकॉज ऑफ द फोर्स एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। एफ बराबर क्यू इंटू ई वाला फोर्स लगाओगे, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गए थे और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हुआ। रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। रीडिस्ट्रीब्यूशन तभी स्टॉप हो सकता है जब फोर्स की वैल्यू जीरो बने, और फोर्स की वैल्यू तभी जीरो बनेगी जब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो बन जाए। तो फाइनली आपको ध्यान रखना बस इतना सा है कि जो इंड्यूस चार्जेस हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल और बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इनसाइड मेटल इक्वल, डायरेक्शन वाइज ये अपोजिट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड में जीरो। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगी। और इससे फर्क एक और पड़ जाएगा, इससे एक फर्क ये पड़ जाएगा, जब ये डाइपोल बन जाएगा तो आपको बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यूनिफॉर्म थी, ये मेटल उसके अंदर जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी चेंज कर जाएंगी। अब ये पहले की तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस नहीं रहेंगी, क्योंकि ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं ये डाइपोल्स बन जाएंगे और ये डाइपोल आउटसाइड मेटल भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, सिर्फ इनसाइड ही नहीं। इनसाइड में डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली कैंसिल आउट करेगा ताकि फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के मोड में न जाए। और आउटसाइड ये डाइपोल्स कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे जो पहले से एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सुपर इम्पोज होगी और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स पहले की तरीके से यूनिफॉर्म ना होकर के कुछ चेंजेस करेंगे उसमें। और वो चेंजेस कुछ ऐसे होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो चेंज करेंगी, वो चेंज होकर के कुछ इस तरीके से बनेंगी। और अभी इसका भी रीजन बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टॉर्ट होंगी, चेंज करेंगी, और चेंज होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे कि ये लाइंस मेटल के सरफेस पर जाकर के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के सरफेस पर परपेंडिकुलरली आनी चाहिए।
ये सब 90 डिग्री एंगल्स पर। काफी दूर इस मेटल से काफी दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगभग पैरेलल दिखाओगे, लेकिन जब मेटल के पास आएंगे वो थोड़ा सा डिप करके दिखाते हैं। इस पैटर्न को ध्यान देना, हल्का सा डिप करते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर गैप बढ़ता है और उसका भी रीजन क्लियर होना चाहिए गैप क्यों बढ़ा यहाँ पर। इधर भी ऐसे ही दिखाएंगे आप, ये गैप क्यों बढ़ाना है इसका रीजन समझ सकते हो आप, ये गैप क्यों बढ़ गया यहाँ पर। रिकॉल करो एक डाइपोल अपने परपेंडिकुलर लाइन पर किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट। डाइपोल हाँ, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हो, अगर नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है तो इस मेटल को जिसको हम एक डाइपोल की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं इसका डाइपोल मोमेंट हम किस तरफ डिफाइन करेंगे, राइट राइट माइनस से पॉजिटिव। तो हाँ, इसका मतलब इस मेटल को एक डाइपोल मान सकते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट राइट साइड डायरेक्शन में है, और डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर साइड पर जब आप जाओगे तो जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है उसके अपोजिट साइड पर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जो पहले से एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल कर रही होगी, मतलब उसको अपोज कर रही होगी, बट मेटल के आउटसाइड कैंसिलेशन नहीं हो पाते। अब ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के तरीके से समझोगे आप, चार्जेस का इंडक्शन यानी डाइपोल का क्रिएशन इनसाइड मेटल बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन यही डाइपोल आउटसाइड पॉइंट्स पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी कम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी जो बाहर वाली थी, पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से पहले जितनी भी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की रही होगी, मेटल आने के बाद यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि क्यों कम हो जाएगी? मतलब मेरा ये पॉइंट देखो कि अगर हम यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट डिनोट करें, ई नॉट, तो ये यूनिफॉर्म है, ये सारे पॉइंट्स पर ई नॉट है। मेटल लाने का इफेक्ट क्या कहोगे आप, मेटल लाने का इफेक्ट क्या हुआ, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन ई नॉट है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट माइनस सम डेल्टा वैल्यू होगी, कुछ कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर की तरफ इस साइड पर अगर हम पूछा जाए क्या मेटल के राइट साइड वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी ई नॉट, या चार्जेस के इंड्यूस होने की वजह से इधर कुछ फर्क पड़ेगा आपको? सर हल्की सी इंक्रीज करेगी। डाइपोल वाला कंसेप्ट लगाओ, डाइपोल बन गया बिल्कुल, अब ये डाइपोल है तो डाइपोल के एक्सेस पर जब आप जाओगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आनी चाहिए, मतलब ये डाइपोल खुद, ये डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में होगी, राइट सर, राइट वर्ड, मतलब की प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, मतलब की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पहले से इंक्रीज करेगा तो प्लस कुछ डेल्टा होगा। अब ये डेल्टा दोनों तरफ सेम नहीं होगा, मतलब एक को डेल्टा वन कर लीजिए एक को डेल्टा टू कर लीजिए। डेल्टा लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा क्योंकि ये पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पर है। सर बट हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सर जो कंडक्टर्स हैं, जी बच्चे, सर हम ऐसा नहीं कहते हैं जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर की फील्ड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, वो दूसरी कहानी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक अलग कंसेप्ट है। वो जो कहते हैं ना कि वो कैविटी वाले कंसेप्ट होते हैं बच्चे, कि अगर मेटल के अंदर कोई कैविटी है ना, यस सर, तो कैविटी के अंदर वाले चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कोई इफेक्ट नहीं डालती,
वो सिर्फ कैविटी केसेस में बोलते हैं। हाँ वो कैविटी वाला अलग कंसेप्ट है, वो टॉपिक ही अलग है पूरा, वो भी करेंगे, मतलब वो भी आज ही का पार्ट है। ठीक है। अभी तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर किसी अनचार्ज मेटल को पहले से एग्जिस्ट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप सिर्फ इतना पढ़ रहे हो अभी। यस सर, मैं अभी समराइज भी कर देता उसको। और अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, मतलब ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मेटल बिकम्स जीरो। ये है इंपैक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अनचार्ज मेटल इनसाइड प्री एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समराइज करें क्या क्या फर्क पड़ा है इसमें। सर ये कंडक्टर हॉलो या सॉलिड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टर है ये, क्योंकि हॉलो कंडक्टर तो कैविटी वाला केस हो गया बच्चा जी। कैविटी वाला कोई भी कंडक्टर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब अभी हम जिसको भी कंडक्टर कह रहे हैं आप ये मानेंगे कि ये सॉलिड कंडक्टर्स हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ कैविटी थोड़ी अलग तरीके से डिस्कस की जाती है, मतलब थ्योरी उनकी थोड़ी अलग है। एक बार आप सुन लें, और जो अगर आपको लिखना चाहते हो अपने लैंग्वेज में तो लिख भी लो, मतलब अभी तक लिखा भी होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लो जो सही लिखा है या नहीं लिखा है, बिकॉज कंडक्टर की प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी आपसे मिस हो गई या समझ नहीं पाए तो आने वाला टॉपिक जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, या फिर ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, ये जो टॉपिक्स आते हैं आगे में। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था जो पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म था, मतलब हर तरफ उसकी सेम वैल्यू थी, सेम डायरेक्शन थी, और हमारे पास एक मेटल था जिसके अंदर नेट चार्ज जीरो था और प्लस माइनस एक साथ थे। अब हमने क्या किया, इस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, तो पहला इफेक्ट क्या हुआ, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप कहते हो कि चार्ज इंड्यूस हो गए। नंबर वन, इंड्यूस चार्जेस की वजह से मेटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई और मेटल के बाहर कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ज्यादा हो गई है और कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो गई है। इनसाइड में जीरो, आउटसाइड कहीं कहीं पर इंक्रीमेंट, कहीं कहीं पर डिक्रीज। मिल गया आपको पॉइंट यहां तक? यस सर। यस सर। तीसरा पॉइंट, द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वर पैरेलल लाइंस मींस यूनिफॉर्म आर नाउ नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मेटल विच इज एक्टिंग लाइक अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच वर पैरेलल लाइन्स आर नाउ नॉन यूनिफॉर्म लाइन्स ड्यू टू रिजल्टेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वन प्री एग्जिस्टिंग एंड सेकेंड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दीज इंड्यूस चार्जेस विच इज सिमिलर टू द डाइपोल। अब आई बात समझ में? सर प्री एग्जिस्टिंग फील्ड अपने ही ऊपर सुपर इम्पोज में दोबारा लेंगे उसको ना भैया। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब भाई इस मेटल को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेके गए थे तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से थी ना हमारे पास, तो इसका सुपर पोजिशन मेटल के इंड्यूस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो रहा है। ओके सर। मेटल में जो चार्ज इंड्यूस हुए तो ये डाइपोल बन गया ना, तो डाइपोल भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यस सर। यस सर।
तो ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और पहले से जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम गए थे उनका रिजल्टेंट बन करके ये सब हो रहा है। जी सर, राइट। और कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। ये बहुत ही मैंडेटरी कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहां 90 के अलावा कोई एंगल नहीं बन सकता, चाहे आप कंडक्टर स्फेरिकल लेकर के आओ, चाहे कंडक्टर नॉन स्फेरिकल लेकर के आओ, क्यूबिकल लेकर के आओ, इलेप्टिकल लेकर के आओ, सिलेंड्रिकल लेकर के आओ, इरेस्पेक्टिवली की सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री एंगल पर ही मिलेगा जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक डील कर रहे होगे। पॉइंट नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है। यस सर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? इक्विपोटेंशियल होना क्यों जरूरी है? Why इक्विपोटेंशियल? Why इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? Why इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा। सर अगर ऐसा नहीं होगा तो एट अ पॉइंट देयर आर टू पोटेंशियल। राइट, टू पोटेंशियल नहीं, टू पोटेंशियल नहीं बच्चा, ये बात अभी सही बोल रहे हैं कि क्योंकि इनसाइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, आपका इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो ये जो रिलेशन था हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो हम लोगों ने कहा था कि ये इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीआर का बिटवीन द पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। तो अगर अंदर की तरफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो अंदर के किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो आएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो। पॉइंट ये बिल्कुल सही है कि दिस एंटायर वॉल्यूम, मतलब पूरा पूरा इंटरनल स्पेस मेटल के अंदर का ये कंप्लीट स्पेस इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम बनेगा, ही सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स होंगे अंदर, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका सेम पोटेंशियल। आर्ग्यूमेंट ये, लैक ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो, पोटेंशियल जीरो नहीं कह रहे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कह रहे हैं, मतलब कि अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है तो बाकी सब पॉइंट्स पर 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल मिलेगा, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब मेटल का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ 90 डिग्री का ही एंगल बना सकता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चा, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत एप्लीकेशंस है। सर जो अभी पिछला वाला पॉइंट था सर वो प्लीज रिपीट कर दीजिए, नेट चला गया था। पिछले वाले पॉइंट हम ये बोल रहे हैं कि जो पिछला वाला पॉइंट ये था कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं फिर से बोल दूं, पहली बात इसको स्पेसिफाई कर दूं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किनका, जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो इंड्यूस चार्ज होंगे इनकी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट बनेगा वो मेटल के सरफेस पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, यही मेरा पॉइंट अभी लास्ट वाला था। और रीजन इसका ये है, द कंप्लीट स्पेस इन साइड दिस मेटल इज इक्वी पोटेंशियल, और उसका रीजन ये है कि इन साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा कोई। आप नोट कर लिया कि अभी भी कुछ छूट गया है? फिर नेट चला गया क्या?
नो सर, नो सर। नोट कर लिया आपने पूरा? यस सर। ठीक, और ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है, जो चीज आपको बताई जा रही है ऐसा नहीं है कि स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ही है, किसी भी कंडक्टर के लिए है, कोई भी कंडक्टर आएगा तो ऐसा ही सब कुछ ऐसे ही चलेगा। और लास्ट पॉइंट जो प्रॉपर्टी लिखी उसके बाद एक फाइनल पॉइंट और है, वो ये कहता है कि अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लाएंगे कंडक्टर के लिए तो वो उसके सरफेस पर ही मिलना चाहिए आपको। अब यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज का क्या मतलब है जानते हो? एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब ऑलरेडी चार्जेस तो थे ही इसमें, इस मेटल में पहले से ही प्लस माइनस चार्ज है, लेकिन ये प्लस माइनस इसके एटॉमिक चार्जेस है, प्लस मतलब इसके न्यूक्लियस का चार्ज और माइनस मतलब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये तो इसका इंटरनल चार्ज हो गया, जो इसके अंदर एटम्स हैं उनका चार्ज है, एटम्स का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर इसको हम बाहर से कोई चार्ज करते हैं, एक्सटर्नली इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे, तो वो चार्ज भी इसके सरफेस पर ही मिलेगा आपको, सिर्फ एक्सटर्नल चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता कभी। और उसका भी एक रीजन देते हैं, वो क्या रीजन देते हो भैया? क्या रीजन देते हैं कि एनी एक्सेस चार्ज, इसको बोला गया है बुक्स में, अगर आप जाओगे तो एनी एक्सेस चार्ज, या कहीं कहीं पर इसको लिखते हैं कि एक्सटर्नल चार्ज मस्ट बी ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और इसके इसके सपोर्ट में क्या रीजन आता है, मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं कि जितना भी चार्ज आप कंडक्टर को दोगे वो उसके सरफेस पे ही एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीजन क्या देते हो? तो रीजन यही वाला पॉइंट है, इसका भी रीजन यही है, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर मस्ट बी जीरो। गॉस लॉ लगाओ, अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, कैसा भी, रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, जब आपको ये पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, ये पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और ये क्यों कह रहे, इसकी गारंटी कौन ले रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? इसकी भी गारंटी लेनी पड़ेगी आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्यों जीरो होगा? सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, क्योंकि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं हुआ तो फिर फोर्स एग्जिस्ट करेगी और कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्री होते हैं, किसी भी फ्री पार्टिकल पर फोर्स एग्जिस्ट कर गई अगर, तो न्यूटन लॉ के हिसाब से वो पार्टिकल स्टैटिक तो नहीं हो सकता। इस बात को यहां पर बड़ा क्लियर कर दें फिर से, ये लाइन जनरलाइज नहीं है, ये आप हमेशा नहीं बोलोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो ही होगा, ये सिर्फ तभी होगा जब आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे ही अगला चैप्टर पढ़ोगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप इसी स्टेटमेंट को वॉयलेट कर जाओगे, तब आप यही कहोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर नॉन जीरो है, क्योंकि तब हम इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे तो ले नहीं रहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप चार्जेस को रेस्ट पे थोड़ी मान रहे हो, वहां तो चार्जेस ऑलरेडी किसी वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, मोशन में है वो। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला आपका, मतलब बात समझ में आई आपको कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है या इसके आगे कंडीशंस लगी हुई है कुछ? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, इज इट ऑलवेज ट्रू? नो सर। और ओनली व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट? चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्जेस आर एट रेस्ट, क्योंकि ये न्यूटन लॉ का कंसिक्वेंस है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि एज लॉन्ग एज पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट द नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई,
तो इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट एफ इक्वल टू जीरो मतलब ई इक्वल टू जीरो, बट इफ द पार्टिकल इज नॉट एट रेस्ट एफ इज नॉट जीरो ई इज नॉट जीरो, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएगा वो। और ये स्टेटमेंट भी जो यहां पर मैंने बोला था अभी, ये स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये भी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ही है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये स्टेटमेंट भी हम वायलेट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपने एडी करेंट्स का नाम सुना हुआ है, ई डबल डी वाई एडी करेंट्स का नाम। को आइडिया है ये क्या होते हैं एडी करेंट्स, किनको कहा जाता है? अनवांटेड सर्कुलर लूप्स ऑफ करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो हीटिंग इफेक्ट करते हैं। अनवांटेड सर्कुलर लूप ऑफ करंट कहां पर, मेटल के अंदर या मेटल के सरफेस? मेटल के सरफेस, सरफेस पे। तो सरफेस पर करंट है ना? यस। तो सरफेस पर करंट है तो इसका मतलब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। सरफेस कैन नॉट बी इक्विपोटेंशियल क्योंकि करंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यानी जब मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि वो चीज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गई ना फिर, तो ये बड़ा डिफरेंशिएट करो कि यहां पर कौन सी बातें जनरलाइज हैं और कौन सी बातें सिर्फ इस चैप्टर के लिए हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। तो एक ये जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो है, ये कोई लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर कंडक्टर इसको फॉलो करेगा। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक है तब तक ये बात रहेगी, जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म ये पॉइंट खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पर 90 डिग्री पे है, ये भी तभी तक है जब तक आप चार्जेस एट रेस्ट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो। जैसे ही करंट आ जाएगा ये लाइन भी खत्म, ये स्टेटमेंट भी वॉयलेट कर जाएंगे। तो फिलहाल तो मेरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो मैं इस चैप्टर के लिए तो इसको एक लॉ मान लेता हूँ फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ने वाले हैं। तो हम ये मानेंगे कि इस पूरे चैप्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होगा, ये हम मान के चलेंगे। और अगर ऐसा है तो कंडक्टर के अंदर किसी भी तरीके का गॉसियन सर्फेस बनाओ, इनसाइड कंडक्टर कैसा भी गॉसियन सर्फेस ले दो आप। जब इसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स भी जीरो आएगा। अंदर जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो फ्लक्स कहां से आएगा, और जब फ्लक्स नहीं आएगा तो इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता। तो अगर हमने कंडक्टर को बाहर से कुछ चार्ज दिया होगा कैपिटल क्यू, तो क्या इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें? अगर हम इस चार्ज को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ तो चार्ज आ ही जाएगा। हमारी दो बातें चल रही है, एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के लिए क्यू इनसाइड जीरो। अब क्या ये चीज मुझे अलाउ करेगी कि इस चार्ज को वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? नो सर। चार्ज को वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या ये स्टेटमेंट आप लिख पाओगे? नो सर। नो सर। तो ये हाँ, इसी वजह से क्या कह रहे हो कि चार्ज मस्ट बी ऑन द सरफेस ओनली। अगर हम बाहर से चार्ज देंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं आएगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में कुछ हो जाए, इधर से उधर कुछ भी कर लो आप, ये लाइन कभी भी आप दिमाग से नहीं निकालोगे। इस पूरे चैप्टर में आपसे कुछ हो चाहे ना हो, ये तो आप पक्का आंसर दे देना कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली। क्योंकि हम न्यूटन को नाराज नहीं कर सकते, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना होना मतलब कि फोर्स का आना मतलब पार्टिकल्स का मूव करना, तो फिर वो स्टैटिक नहीं रहेगा। अभी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए या कुछ पूछना है तो अब बताएं, अदरवाइज फिर हम देखें इसके आगे क्वेश्चंस वगैरह कुछ करें। नो सर।
हाँ जी बच्चे लोग बताएं सर, ये एक्सेस चार्ज जो आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर हो गया बी? सर सर ये जो एक्सेस चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे? ये भी अलग बात है, ये इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कंडक्टर के आस पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। एक्सेस चार्ज सरफेस पर होगा बट यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा ये कंडक्टर की ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है कि वो स्फेरिकल है नॉन स्फेरिकल है, ये सब अलग पॉइंट्स हैं। मैं एक बार यार पॉइंट्स को ना रिपीट कर दे रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको हमेशा याद रखने हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो क्या है? पहला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। दूसरा, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तीसरा, एनी एक्सटर्नल चार्ज विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चौथा, द कंप्लीट वॉल्यूम एंड द सरफेस ऑफ कंडक्टर आर इक्विपोटेंशियल, आर इक्विपोटेंशियल। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। बस इतना ध्यान रखो बच्चा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक और बताएं, हमें लगता है जरूर है, मतलब आप लोगों को मैं ऐसा नहीं कि अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, बट हमें लगता है कि हमें ये चीजें पता है। सच्चाई यही है कि नहीं पता होती है, उस वजह से प्रॉब्लम आती है। देखो मैं एक रिजल्ट यार मैंने डिराइव नहीं किया है, एक रिजल्ट मैंने डेरिवेशन करवाई नहीं है आपको, ये उम्मीद करके कि भाई आप सभी को उसका आइडिया होगा। और वो रिजल्ट ये था कि अगर आप कहीं पर इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस लेते हो, सिग्मा डेंसिटी का इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस हो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हालांकि मैंने डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर इसको करवाया था, ठीक है, बट इसका फॉर्मल डेरिवेशन गॉस लॉ के थ्रू आता है, वो मैंने कराया नहीं है, आपको पहले बता दूं। तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूं यार, कि अगर एक इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके इसके नियर बाय में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हो सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन जीरो। पता है ये चीज? फील्ड ऑफ, यस सर, फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली राइट, ठीक है। तो इसकी नीड तो नहीं है ना, डेरिवेशन स्किप कर दें, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है हम लोग के पास इस वजह से। यस सर, ठीक है। अब देखो तो ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये मुझे आता है, आपको भी आता है। इस आर्टिकल के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये जो पूरा प्रोसेस आपको समझाया, मैं स्फेरिकल मेटल की जगह एक कंडक्टिंग प्लेट लाता हूं, स्फेरिकल मेटल की जगह पर एक कंडक्टिंग प्लेट, न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट, और न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट, सब कुछ यही करने जा रहे हैं। एंड इट इज ब्रॉट इन प्री एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट इज ब्रॉट इन अ प्री एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट। प्रोसेस तो यही होगा, चार्जेस तो इसमें भी इंड्यूस होंगे ना, जो चीज यहां बताई गई है। यस सर। तो अब आपको वही निकालना है कि जो चार्ज इंड्यूस होंगे उनका अमाउंट कितना होगा। अ न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट ब्रॉट इनसाइड प्री एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, फाइंड द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट। और ये प्लेट एक्चुअल में अंदर की तरफ भी एक्सटेंडेड होगी, तो कुछ इस टाइप की प्लेट होगी, वो आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा कुछ होगा। तो इस प्लेट का सरफेस एरिया आपको कैपिटल ए दिया जा रहा है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट इज कैपिटल ए। मेरा क्वेश्चन किस तरफ है मैं बता दूं, हमने यहां पर एक प्रॉपर्टी जनरलाइज की है कि किसी भी कंडक्टर को, किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर को
चाहे उसकी ज्योमेट्री कोई भी हो, पहले से एग्जिस्ट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही लाओगे चार्जेस इंड्यूस होंगे और इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से अंदर की तरफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बाहर के बारे में कुछ कह नहीं सकते, कहीं पर बढ़ भी सकती है, कहीं पर कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बाहर। और बताओ जी सिग्मा ए बाय टू आ जाएगा क्यों? सिग्मा ही तो निकालना है ना, ये तो न्यूट्रल प्लेट है, पहले से कोई चार्ज थोड़ी था इसके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लेट पर चार्जेस इंड्यूस होंगे, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, वही मुझे फाइंड आउट करना है कि वो इंड्यूस चार्ज कितने अमाउंट के होंगे। क्वेश्चन क्लियर है कि भी मतलब क्वेश्चन में ही फंसे हो? बताओ मतलब क्या निकालना है ये तो मालूम चल गया कि इसमें इसमें भी कोई डाउट है? अभी बोलो बच्चा। क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? ई नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। ई नॉट सर, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। किस बेसिस पे कह रहे हो बच्चा ये? ई नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए सर, ये सिग्मा बता रहे हो कि क्या बता रहे हो? चार्ज बता रहे हो सर? चार्ज बता रहे हो, चार्ज ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू ए होगा। हां इनटू होना चाहिए ना, फिर ए डिनोमिनेटर में कैसे आएगा? यस सर इनटू ए हो जाएगा सर। देखते हैं भाई एक बार, देखो ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं इस बात को हल्के में मत लीजिए जो यहां पर बताया आपको पॉइंट, ये इतना हल्का पॉइंट नहीं है। सबसे पहला फिनोमिना, चार्ज इंड्यूस होंगे तो लेफ्ट साइड वाली सरफेस पर नेगेटिव इंड्यूस होगा और राइट साइड वाली सरफेस पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, ठीक है? बोलो लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, सही है ये चीज? यस। मान लिया है माइनस क्यू और प्लस क्यू इंड्यूस हो गए, माइनस क्यू प्लस क्यू इंड्यूस हो गए, और यहां पर मैंने आपसे यही स्टेटमेंट दिया था कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू इनसाइड पर जीरो आना चाहिए। तो हम एक काम करने जा रहे हैं, इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए हम इस प्लेट के अंदर इनसाइड दिस प्लेट हमने कोई पॉइंट वन चूज किया और हम अब ये देखने जा रहे हैं कि उस पॉइंट वन पर कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड्स एग्जिस्ट करेंगे जिनके रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी यहां पर? तो और इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से। अब आप बताओ ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज पॉइंट वन पर कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा? पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, हाँ, तो पॉइंट वन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज विल बी लेफ्ट साइड, एंड वैल्यू कितनी होगी? तो ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये वाली सिचुएशन बनेगी। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसके हिसाब से लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हमने क्यू चार्ज माना है, ए एरिया माना है, तो क्यू अपॉन ए इसका सिग्मा है। ठीक है? यस सर। ठीक, एक माइनस चार्ज भी तो इंड्यूस हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट वन पर किधर होगा? लेफ्ट हैंड, ये भी लेफ्ट होगा। मतलब ये ई नॉट प्री एग्जिस्टिंग था, पहले से था, मतलब चार्ज के इंडक्शन होने से पहले ही था, ये इंड्यूस होने से पहले। क्यू ए बाय टू एप्सिलॉन नॉट बाय प्लस क्यू चार्ज है, और इसी डायरेक्शन में इतना ही बाय द माइनस क्यू चार्ज भी आएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और रिजल्टेंट को जीरो कर दो आप।
यानी इन दोनों का समेशन इसके बराबर कर दो, चेक करो स्मॉल क्यू कितना बनता है इससे, करके बताओ। रिजल्टेंट एट दिस पॉइंट मस्ट बी जीरो, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन दोनों का समेशन इसके बराबर, स्मॉल क्यू निकालो कितना आएगा। ठीक है, मतलब इनको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया कि इंड्यूस चार्ज विल बी ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। दिस इज द इंड्यूस चार्ज ऑन दिस कंडक्टिंग प्लेट ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने यहां पर यह भी कहा था कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से आउटर स्पेस में इनर स्पेस में तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज एट सम पॉइंट एंड में डिक्रीज एट सम पॉइंट हो सकता है। यहां पर ऐसा कुछ होगा क्या? इंड्यूस चार्ज आने के बाद आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगा या इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा? इस रिजल्ट की कुछ इंपॉर्टेंस भी है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। क्या इस रिजल्ट में ये मैटर करता है कि आप इस इनफाइनाइट सरफेस से कितने डिस्टेंस में हैं? क्या ये डिस्टेंस आर मैटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में? नो सर, नहीं करता। मतलब यूनिफॉर्म होता है ये फील्ड? यस सर। तो अब आप बताओ, आउटर स्पेस में अगर आप कोई पॉइंट चूज करते हो, इन दिस आउटर स्पेस अगर मैं कोई पॉइंट टू चूज कर दूं, तो इस आउटर वाले पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर स्पेस पर कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन बता दे उसका। राइट साइड माइनस क्यू का लेफ्ट। और क्या ये दोनों बराबर नहीं आएंगे? भले ये वाला सरफेस इस पॉइंट टू के ज्यादा क्लोज है और ये वाला सरफेस पॉइंट टू से दूर है, लेकिन एक सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डिस्टेंस का मैटर ही नहीं है कोई। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पर इस पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पर इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से अपोजिट साइड पर होगी। तो इन दोनों इंड्यूस चार्जेस का रिजल्टेंट, इन दो इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई। तो क्या ये नहीं कह सकते कि यहां पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी? यस सर, कह सकते हैं ना। स्फीयर के केस में तो मैंने प्लस माइनस करके दिखाया था, बट स्फीयर अलग ज्योमेट्री है, प्लेट अलग ज्योमेट्री है, सिलेंडर अलग ज्योमेट्री है, तो कंडक्टर की ज्योमेट्री भी डिसाइड करेगी कि बाहर क्या होने वाला है। कंडक्टर की ज्योमेट्री के इंडिपेंडेंट अंदर तो नेट जीरो आना ही है, लेकिन बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी या उतनी ही रहेगी, ये डिपेंड कर रहा है कंडक्टर का आउटर सरफेस की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसी है। वो स्फेरिकल ज्योमेट्री का है, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री का है, क्यूबिकल ज्योमेट्री का है, ये सब डिसाइड करेगा कि बाहर क्या होने वाला है। सर, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखी है, ये तो नॉन कंडक्टिंग शीट की है ना? बच्चा देखो, एक इनफाइनाइट शीट जो होती है ना, वो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग होती ही नहीं है। प्लेट होती है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। जो एक इनफाइनाइट शीट है वो हमेशा ही, उसमें क्या कंडक्टर क्या नॉन कंडक्टर यार, क्योंकि कंडक्टर नॉन कंडक्टर बल्क वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए गए हैं। प्लेट होती है, प्लेट अगर पोलर है ना कोई, तो आप उसमें पूछा करो कि ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। ये मैं समझ रहा हूं, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है,
मतलब इस आर्टिकल में जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रखा गया ना बुक्स वगैरह में, उसकी वजह से है कंफ्यूजन। आप थोड़ी देर के लिए मेरा ये पॉइंट एक्सेप्ट करो कि फॉर एनी इनफाइनाइट सरफेस, फॉर एनी इनफाइनाइट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, बस इसको अपने माइंड में रखो। आपको किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अपने माइंड में रख लो। मैं बता रहा हूँ आपको किसी और अदर फॉर्मूले की नीड ही नहीं आएगी अभी, और अभी ट्रस्ट करो बता रहे कैसे नहीं आएगी। बच्चा एक सेकंड, पहले इस पर आप कंक्लूड कर ले यार इसको, ये बात जरा कंक्लूड करो आप कि जब आप एक कंडक्टिंग प्लेट को पहले से एग्जिस्ट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो तो उसमें इंड्यूस चार्ज का अमाउंट ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ए है, और इस इंड्यूस चार्ज की वजह से प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, बट प्लेट के बाहर इंड्यूस चार्जेस का कोई भी इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं आ रहा। मतलब प्लेट लाने से पहले भी यहां पर ई नॉट, प्लेट लाने के बाद भी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्या इंडक्शन हुआ है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्लेट में है, ओनली फॉर द प्लेट, और यही वजह है कैपेसिटर्स में सबसे कॉमन कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर मोस्ट प्रेफर्ड कैपेसिटर फॉर दिस रीजन ओनली, कि उनके इंडक्शन का आउटर स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया बात? बोलो भाई कुछ तो बता दो ना। हाँ कुछ बोल दो यार, नहीं है तो नहीं। हाँ बोल दो भाई, सन्नाटे भी तो चले गए। अब देखिए अभी मैं इरेज नहीं कर रहा बिकॉज मुझे बार बार इनकी नीड आएगी अभी, तो अगर आप अब ना एक काम करो, एक डेरिवेशन कर रहे हैं अभी जो इन्होंने डाउट पूछा उस डाउट को क्लियर कर दे जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कंडक्टिंग प्लेट, इनके मन में जो डाउट है उसको पूरा क्लियर कर देते पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द कंडक्टिंग प्लेट, इसका आंसर बताते हैं क्या आएगा। मुझे बताओ क्या डाउट क्यों आ रहा है, बताओ आपको। बुक्स में दो फॉर्मूले लिखे हुए, एक्चुअली कोई भी बुक अगर आप पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है और एक एक फॉर्मूला बुक्स में लिखा होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का। यस सर, है ना? यस सर। और यही कंफ्यूज कर रहा होता है कि कब सिग्मा बाई टू रखना है और कब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रखना है मुझे। सर वो दो प्लेट्स के बीच में जब निकालते हैं तब आता है। हाँ ठीक है, देख लो फिर भी। हाँ आपको तो क्लियर है इसका मतलब, बाकी कई लोग इसमें कंफ्यूजन में है। मैं समझ रहा हूँ कि ये टू वाला फैक्टर की वजह से परेशान रहते हैं कि यार ये कब आता है कब नहीं आता। सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द कंडक्टिंग प्लेट, तो ये कंडक्टिंग प्लेट आइसोलेटेड भी है। आइसोलेटेड का मतलब इसके आसपास कुछ और नहीं है, अकेला प्लेट इस दुनिया में पड़ा हुआ है। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूं ही तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा अगर ये आइसोलेटेड है, अकेला है? बताइए, आइसोलेटेड प्लेट मतलब नियर बाय में कोई और चार्ज है ही नहीं, और इसमें अगर मैं क्यू चार्ज देता हूं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा फिर? तो क्या कोई आर्ग्यूमेंट है आपके पास जिसमें आप ये कह पाओ कि भाई एक साइड ज्यादा चार्ज आएगा एक साइड कम चार्ज आएगा? कोई आर्ग्यूमेंट, कोई रीजन? नहीं आएगा ना भाई? नहीं आएगा सर। भाई अगर हमारे पास एक प्लेट है और हम इसमें कोई चार्ज दें तो मेरे पास क्या रीजन है ये कहने के लिए कि इधर कम चार्ज होगा इधर ज्यादा चार्ज होगा? कोई रीजन है क्या कहने के लिए? इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, कुछ नहीं है इसके आसपास, तो मेरे पास कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है ये कहने के लिए कि ये चार्ज इधर ज्यादा इधर कम। क्यों भाई? इधर भी उतना ही सरफेस है इधर भी उतना ही सरफेस है, तो हम ये कहेंगे कि Q by 2 चार्ज राइट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और Q by 2 चार्ज लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर ये अकेला प्लेट है तो, आइसोलेटेड प्लेट।
आइसोलेटेड प्लेट पर चार्ज अगर आप क्यू दोगे तो हाफ लेफ्ट साइड और हाफ राइट साइड। अब इसमें मन में ये भी डाउट आता है कि बाकी की सर्फेसिस का क्या हुआ, तो बाकी की सर्फेसिस के लिए आप अपने मोबाइल को मान ले, बड़ा टैबलेट टाइप का मोबाइल, तो उसकी ये एज, एज वाले सरफेस एरियाज कितने होते हैं, जो एज होती है मोबाइल की एज, इसका सरफेस एरिया अगर आप स्क्रीन के एरिया से कंपेयर करें तो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। तो ऐसी ही प्लेट है, पतली सी, स्लिम, बिल्कुल स्लिम प्लेट, स्लिम प्लेट है, थिकनेस नेग्लिजिबल है और ये एरिया काफी ज्यादा है, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट, नेग्लेक्टिंग एज इफेक्ट, मतलब ये जो एज बनेंगे एज पर कोई एरिया नहीं है, फिगर में जरूर दिखाया गया है बट वैसे कोई एरिया है नहीं, तो Q by 2 चार्ज इधर और Q by 2 चार्ज इधर। मैं तो कह रहा हूं ना आप इसका यूज क्यों नहीं करना, इसको सीखो ना यार, इसको सीखो। अगर ये कैपिटल ए एरिया है और इधर भी कैपिटल ए एरिया है तो ये दो सरफेस नहीं बन गए आपके? यस सर, हाँ सर। और एक सरफेस की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, तो अब बताओ यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस सरफेस की वजह से और इस सरफेस की वजह से, ऐड करके बता दो। एक सरफेस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट का है तो इसका भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हाँ, बट यहाँ सिग्मा क्या हुआ, सिग्मा कह किसको रहे हो आप, किसको सिग्मा कह? क्यू बाई टू सर, एक प्लेट की, एक प्लेट का, हाँ क्यू बाई टू, एक सरफेस को, मतलब मैं इसको सिग्मा निकालते हैं ना, इधर वाला सिग्मा, तो क्यू बाई टू चार्ज और कैपिटल ए एरिया, तो सिग्मा हुआ क्यू बाई टू डिवाइडेड बाय ए। आई बात समझ में ही आ रही है? यस सर, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। पूरा आंसर क्या बनेगा देख लो जरा, कंप्लीट आंसर, मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ चार्ज देखना चाहो, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो क्या रिजल्ट बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन, हो गई? बोलिए। यस सर, ये तो आंसर आएगा चार्ज के फॉर्म में, सिग्मा की वैल्यू रख के बताओ भाई। यस सर, यस ठीक है, चलिए। यस सर, तो मैं बोलूंगा आपको यही याद रखना, मैं तो सिग्मा को प्रेफर नहीं करता, मैं इसी को याद करता हूँ कि एक कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0, मैं तो इसी को याद करता हूँ। न्यूमेरिकल्स इससे हो जाते हैं, क्या जरूरत है इसमें सिग्मा के चक्कर में फंसने का। और एक और बात समझो जरा, एक बात और समझिएगा, अगर किसी रीजन की वजह से, अगर अभी मैंने क्या बोला था कि मेरे पास कोई रीजन नहीं था ये कहने के लिए कि चार्जेस अनइक्वल क्यों जाएंगे, कोई रीजन नहीं था, तो जब कोई रीजन नहीं था तो मैंने कह दिया बराबर बराबर जाएंगे भाई। अगर कोई रीजन होता, अगर कोई रीजन होता और ये चार्जेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, मान लीजिए एक तरफ ज्यादा हो जाता एक तरफ कम हो जाता, सपोज कर लेते किसी वजह से, वो वजह भी आगे आपको बताएंगे क्या हो सकती है, बट किसी वजह से अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो जरा क्या फर्क पड़ जाएगा। मान ले फॉर सम रीजन चार्जेस आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इधर कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हुआ, रीजन होगा इसके पीछे, कोई रीजन जरूर रहा होगा, तो फर्क क्या पड़ जाएगा इससे देखो जरा। अब राइट वाले सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट वाले सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड
सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूले से, राइट वाला सरफेस, जब आप सरफेस कहोगे तो ये रिजल्ट लगाओ, मैं राइट वाले सरफेस को की इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करूं तो सिग्मा की जगह लिखना पड़ेगा मुझे क्यू डिवाइडेड बाई इसका एरिया अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और लेफ्ट वाले सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी फॉर्मूले से लिखूंगा मैं तो उसकी वैल्यू बनेगी कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और दोनों को ऐड कर दूंगा। आप जरा कैलकुलेट अपने लेवल पे करके ये बताओ, क्या इन दोनों को ऐड करके फिर यही चीज नहीं आ रही? हाँ सर, यस सर। क्या कंक्लूजन निकलता है इससे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, एक कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज विच इज क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो इज इनडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि वो इक्वल होता है या अनइक्वल होता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द कंप्लीट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द कंप्लीट प्लेट इज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय टू ए एप्सिलॉन जीरो, चाहे वो चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हुआ हो, चाहे एक तरफ ज्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए, फर्क नहीं पड़ता कोई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक, यस सर। चलो अब आगे देखिए, पर एक ये रिजल्ट, एक ये रिजल्ट कि अगर किसी प्लेट को प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे, प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई प्लेट लेके जाएंगे तो वहां पर E नॉट एप्सिलॉन नॉट ए इंड्यूस चार्ज आएगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन सारे कंसेप्ट्स को मर्ज करने जा रहा हूँ, इन सारे कंसेप्ट्स को मर्ज करेंगे, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, दो पैरेलल प्लेट्स का सिस्टम, सिस्टम ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स जो आगे जाकर के कैपेसिटर बन जाता है, सिस्टम ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, और एक प्लेट पर Q1 चार्ज दूसरे प्लेट पर Q2 चार्ज, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं, कई लोगों को आंसर पता है, मुझे 100% श्योर होंगे कि आंसर्स आपको पता होंगे। एक प्लेट पर Q1 चार्ज, एक प्लेट पर Q2 चार्ज, ये पूछते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे इसमें, है जी बच्चा? ठीक है, यस सर। अच्छा, तो अब आप मेरे को देखा, बड़ा सीधा सा आंसर दे रहा हूं मैं, इमेजिन करो कि Q2 नहीं है, जरा इमेजिन करें कि अगर Q2 चार्ज नहीं है मान लीजिए, तो ये न्यूट्रल प्लेट हो गई ना? यस सर, ये न्यूट्रल, और ये Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगी, मतलब जो Q1 चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यहां पर उसका इंडक्शन फिनोमेना होगा, होगा Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडक्शन इस प्लेट पर होगा, और ऐसे ही Q2 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडक्शन Q1 चार्ज पे होगा, बोलो बच्चा। यस सर। तो अब बताना क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंडक्शन फिनोमिना, Q1 by 2 लेफ्ट साइड और Q1 by 2 राइट साइड होता, अगर इंडक्शन ना होता तो, और इसके इंडक्शन की वजह से मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव प्लेट थे, तो इसका इंडक्शन फिनोमिना जो होगा उस वजह से इस प्लेट का कौन सा साइड नेगेटिवली इंड्यूस होगा और कौन सा साइड पॉजिटिवली इंड्यूस होगा? इनसाइड वाला नेगेटिव, राइट या लेफ्ट, मतलब इसके राइट वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराओगे या पॉजिटिव, अगर सामने प्लस चार्ज है तो नेगेटिव, राइट वाले पर नेगेटिव,
तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेंगे और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेंगे। और वो इंड्यूस चार्ज कितना होगा? एरिया इंटू एप्साइलन इंटू ई डॉट। और ई डॉट क्या है? प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें इंड्यूस चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा? यहां पर इंड्यूस चार्ज जो आएगा वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है? Q2 की वजह से। Q2 की वजह। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? क्या इसके लिए इस बात का फर्क पड़ता है कि Q2 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? यहाँ पर यही आर्ग्यूमेंट दिखाया था आपको। नहीं सर। ये चाहे जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही बनेगा। यस सर। तो यहाँ पर Q2 डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन 0 करिए और यहाँ पर भी Q2 डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन 0 करिए आपको इस प्लेट के दोनों तरफ के चार्जेस मिल गए। अब आप जो दूसरे प्लेट पर देख लो, राइट वाले प्लेट पर, राइट वाले प्लेट पर Q2 का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका अपना चार्ज हाफ हाफ हो गया, Q2 by 2। अब इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से यहां पर कैसा इंडक्शन रहेगा? बिकॉज ऑफ नेगेटिव तो माइनस, और इधर प्लस इंड्यूस होगा। इधर कितना माइनस इंड्यूस होगा? तो ई नॉट एप्साइलन नॉट ए, यानी कि ए एप्साइलन मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट, और ई नॉट मतलब इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप इसी फॉर्मूले से लिखेंगे, भले ही इसका चार्ज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। ऐसे ही यहां पर अब इन सबको जरा पूरा सिंप्लीफाई करके आप बताओ कहां पर कितना चार्ज आता है। सर बाहर साइड Q1 प्लस Q2 बाय 2 दोनों साइड, उधर Q1 माइनस Q2 बाय 2 उधर Q2 माइनस Q। अब इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करके देखो, अल्टीमेटली जो रिजल्ट बनने वाला है जब सब कुछ करेंगे, ये तो आर्ग्यूमेंट्स हो गए, चाहते तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी बता सकते थे ये ऐसा कर लेना, मजा नहीं आती फिर आपको। फाइनली क्या रिजल्ट बना? अगर ये Q1 और ये Q2 है तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस तरीके से हुआ? अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहां पर आपका आंसर आएगा Q1 प्लस Q2 एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां पर आंसर आएगा Q1 प्लस Q2 एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां पर आंसर आया होगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। और यहां पर आंसर आया होगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। वेरीफाई जरूर कर लेने से। सर इसका वही वाला शॉर्टकट है ना कि इनर वाली प्लेट्स पे टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए और बाहर वाली प्लेट्स पे टोटल चार्ज सम ऑफ द चार्जेस के इक्वल होना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मतलब ये पहले आप वेरीफाई तो करो फिर बताते हैं आगे। यस सर। सारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं अभी। बच्चा फायदा तभी होगा जब करोगे, ऐसे सुनने से कॉपी करने से या कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वाले पास वाले तो मैं बार बार बोलता हूँ यार कि आपने ईयर ड्रॉप करने का डिसीजन लिया है तो डिसीजन को राइट प्रूफ करो। ट्वेल्थ पास बैच में बीच बीच में मोटिवेशन गायब हो जाती पढ़ने की, जैसे गायब हो आप ये सोचना कि भाई आपने क्या सोच करके ईयर ड्रॉप लिया हुआ था। आपके 365 डेज का पूरा ईयर जो है वो बर्बाद करना चाहते हो या यूटिलाइज करना चाह रहे हो उसे फिर से? और जब यूटिलाइज करना ही है तो धमाकेदार करो, एक आध परसेंटाइल बढ़ाने के लिए ईयर ड्रॉप करने का क्या मतलब है? धमाका क्रिएट करो।
ये आंसर बना यार, ठीक है। अब इसका ना सब्जेक्टिवली, ये तो था पूरा सब्जेक्टिव विद रीजनिंग, ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। समझ गए इस बात को कि नहीं, बताइए। यस सर। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें फंस सकते हो आप, इसमें फंस सकते हो, और आप क्या कोई भी फंस जाएगा इस क्वेश्चन में, आप नहीं कोई भी फंस सकता है। हम ये दोनों प्लेट्स ले रहे हैं जिनके एरियाज कैपिटल ए हैं, और एक प्लेट पर हमने प्लस ऑफ 2q चार्ज रखा है और एक प्लेट पर हमने प्लस ऑफ 4q चार्ज रखा है। मान लीजिए देखो जी, ये जो चार्ज आ रहे हैं ना, अगर आप नोटिस करें तो ये और ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, होगा ये नहीं, एक Q1 माइनस Q2 है और एक Q2 माइनस Q1 है, तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो फिर ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा। मतलब अंदर अंदर, यानी कि जो आमने सामने वाले साइड है, आमने सामने वाले, ये कभी भी सिमिलर साइन के नहीं आ सकते। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके सामने नेगेटिव आएगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसके सामने नेगेटिव आएगा, ये कभी भी सेम साइन के चार्ज नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और ये सिर्फ दो प्लेट्स में नहीं, कभी भी नहीं हो सकते, कितने ही प्लेट लगा लो आप, नंबर ऑफ प्लेट्स आप बढ़ा भी लोगे तब भी नहीं आएंगे। क्यों क्यों मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही आएंगे, जितना चार्ज यहां पर है उसी का अपोजिट यहां पर आएगा हमेशा, क्यों कह रहा हूं? इस प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, कंडक्टर पढ़ रहे हो आप, कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, जीरो। और यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, जीरो, जीरो। तो अगर मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूं जिसका एक साइड लेफ्ट प्लेट के अंदर है, दूसरा साइड राइट प्लेट के अंदर है, और इस तरीके से मेरा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो जो लेफ्ट वाला साइड है जहां पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर फ्लक्स कितना बनेगा इस पॉइंट पर, अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करो, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो। यहां पर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लैग कर रहा है, यहां पर जीरो फ्लक्स हो गया, और यहां पर सरफेस का नॉर्मल जो बनेगा, इस गॉसियन सरफेस का नॉर्मल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के 90 डिग्री पर होगा, यानी इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना बना, जीरो, जीरो। इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो आना चाहिए ना फिर, यस सर। तो इसका मतलब अगर यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो इधर फिर नेगेटिव एग्जिस्ट करे, और उतना ही नेगेटिव एग्जिस्ट करे, तो पैरेलल प्लेट में आमने सामने हमेशा इक्वल अपोजिट चार्ज आएंगे, ये गॉस लॉ की वजह से हो रही है। बात समझ में सर, लगाइए। और अगर ऐसा है कि जितना जितना पॉजिटिव यहां उतना नेगेटिव यहां, यानी इन दोनों को मिला करके तो जीरो हो जाएगा ना टोटल, अगर ये इन दोनों को मिला करके जीरो, और किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व है, तो टोटल चार्ज है कितना आपके पास, सिक्स क्यू। तो वो टोटल 6q बाहर बाहर ही रह सकता है, क्योंकि अंदर में टोटल वैल्यू जीरो आएगी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ये टोटल तो जीरो हो गया, तो राइट वाला चार्ज और लेफ्ट वाले चार्जेस का टोटल 6q बनना चाहिए। इसका मतलब यहां पर 3q चार्ज होगा और यहां पर भी 3q चार्ज होगा, मतलब जितना भी आपका टोटल चार्ज आए उसका हाफ वैल्यू लेफ्ट साइड और हाफ वैल्यू राइट साइड।
ये भी ठीक है? यस सर। यस सर। अब बताओ यहाँ पर कितना चार दिखाओगे? अगर 3q लेफ्ट दिखा चुके हो, माइनस q, माइनस q, माइनस q उधर, माइनस q यहाँ दिखाओ, और इस पे 4q में से प्लस q, प्लस q, प्लस q। और ये कहानी दो प्लेट्स के लिए नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये कहानी दो से ज्यादा प्लेट्स में भी काम करेगी। मतलब अगर आप अपने सिस्टम को मोर देन टू प्लेट्स पर लेके जाते हो तो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऐसे ही करोगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर माइनस 6 कूलम्ब कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस 8 कूलम्ब चार्ज कर दूं, और यहाँ पर मान लो माइनस ऑफ 4 कूलम्ब चार्ज, और डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा मेरे को, क्योंकि ये जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ना कि आमने सामने प्लस माइनस होंगे, ये आर्ग्यूमेंट गॉस लॉ की वजह से है, तो ये कभी भी फेल नहीं करेगा। तो अगर इंटरनल साइड्स पर टोटल जीरो, यहाँ के इंटरनल साइड का टोटल जीरो, तो ये टोटल वैल्यू चार्ज की बाहर बाहर एडजस्ट करो आप, टोटल कितना हुआ आपके पास, देखो यहाँ पर माइनस 6 कूलम्ब प्लस 8 कूलम्ब और माइनस 4 कूलम्ब, टोटल वैल्यू माइनस 2, सर माइनस 2 का हाफ कर दीजिए, माइनस 2 का हाफ करिए, माइनस 1 कूलम्ब, तो माइनस 1 कूलम्ब इधर और माइनस 1 कूलम्ब इधर, अब बाकी एडजस्ट कर लो आप, माइनस 1 इधर है, माइनस 4 मुझे चाहिए, तो फिर माइनस माइनस 3, और अगर ये माइनस 3 है तो सामने प्लस 8 में से 3 यहां आया तो ये हो गया 5, ये माइनस 5, माइनस 5 और माइनस 1 बिकम माइनस 6, एडजस्ट होता जाएगा सब कुछ आपका। पैरेलल प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। हो जाएगा? यस सर। यस सर। अब आप बताओ, वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं यार, वापस एक बार फिर से इसी क्वेश्चन पे आए। तुम्हारी ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं। अगर इन प्लेट्स के बीच में डी डिस्टेंस हो और एरिया कैपिटल ए हो, प्लेट्स का मतलब इसका एरिया आइडेंटिकल एरिया है, डिस्टेंस डी है, और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, तो यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आउटर स्पेस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये क्वेश्चन है आपके। इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यहां पर वो स्टेटमेंट याद रखो कि किसी भी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग प्लेट का, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन 0 लिख सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दो प्लेट है मेरे पास, दोनों पॉजिटिव प्लेट है, तो अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिजल्ट के हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको ये जानने की जरूरत है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं? नो सर। नो सर, नहीं जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे इससे क्या मतलब है कि कहां पर कितना चार्ज जा रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे कितना आएगा, बताए इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक में न्यूमरेटर में 4q होगा और एक के न्यूमरेटर में 2q होगा, क्या बन जाएगा, 3q upon a epsilon naught, 3q upon a epsilon naught, चीजें ऑब्जेक्टिवली होती जाएंगी। यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड जाएगी, फॉर्मूला ये पता है, अगेन सेम चीज आएगी, और अंदर बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्ज हो आप, बिटवीन, इस समय डिस्ट्रीब्यूशन मत देखो आप, डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की कोई जरूरत नहीं मुझे, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं दिस पॉइंट इज बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्जेस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का एड होगा यहाँ पर या सब्ट्रैक्ट होगा,
सबट्रैक्ट कैलकुलेट कौन करेगा? 4q वाला, 4q वाला। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट और दोनों सबट्रैक्ट होंगे, क्या बन जाएगा आंसर? 2q/2f सर, मतलब q/af खत्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस है। तो अगर इसके लाइंस को ड्रॉ करना चाहोगे तो ऐसे दिखाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ओरिजिनेट होंगी और ये यूनिफॉर्म लाइंस होंगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए प्लेट्स के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है, करके फायदा नहीं, कोई टाइम खराब हो जाएगा हमारा। सिंपल चार्ज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतना देखना होता है कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होने हैं कि सब्ट्रैक्ट होने हैं, और वो चार्ज के साइन से डिपेंड होता है। एंड फाइनली अगर कोई पूछे कि इन प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस, एक को प्लेट ए कह दे और एक को प्लेट बी कह दे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा बिटवीन द प्लेट ए एंड प्लेट बी? अरे ये निकालना हूं आपको। तो इसका तो मेरे पास एक ही लॉ है, क्यू डी अपॉन एफ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक के किसी भी न्यूमेरिकल में इसी से आएगा। तो जब आप ए से बी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे? अपोजिट में। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट माइनस में आएगा और आंसर कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो कॉन्स्टेंट है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट डी, तो VA माइनस VB इज अ नेगेटिव वैल्यू, जिसका मतलब ये हुआ B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल एट A विल बी लेस, पोटेंशियल एट B विल बी मोर। तो तीन टॉपिक आपने अभी सीखे हैं, पता नहीं आपको रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। सिस्टम ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स जो कि कैपेसिटर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना आना, मतलब ये तीन कंसेप्ट मैंने कौन कौन से बताए हैं वो बता दूं, और आपको अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है कि क्या आपको ये तीनों आ गए। पहला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तीनों आते हैं, तो इसका मतलब आपके लिए आगे के टॉपिक्स आसान है, काफी आसान है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर एक मिनट बच्चा, एक मिनट, अब वापस आ रहे हैं आपके पॉइंट पर आ रहे हैं, बस कंक्लूड कर दें, लास्ट पॉइंट बना रह जाता है। इसी का बहुत ही स्पेशल केस जो है वो आप लेते हो, टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज हो जाए और एक माइनस क्यू चार्ज। This plate has plus Q and this plate has minus Q. और ये basically कहां से होंगे? Plus Q, minus Q होंगे कहां से? तो ये तब होते हैं जब इन प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करते हो। इस केस में यहां पर बताओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर लेते हैं, एक एक स्टेप करते हैं। तीन पॉइंट्स होते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज कितना है आपके पास? इधर जीरो, इधर जीरो। यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया और यहाँ पर माइनस। दूसरा पॉइंट, आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर स्पेस, तो एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस कहीं आ नहीं रहा इसमें, डिस्टेंस है ही नहीं फॉर्मूले में, तो आप सिर्फ चार्ज दिखा करो, सेम चार्ज है दोनों, तो क्या दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे? एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो यस सर, यस सर, इधर भी जीरो। और अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं जो कि प्लस और माइनस के बीच में है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एड होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल करके माइनस की तरफ ही जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एड हो जाएगी और Q by 2A epsilon naught इसकी वजह से,
और q by 2a epsilon naught इसकी वजह से ऐड हो गए, हो गया ये आंसर, हो गया ये? Excuse me, sir. हाँ जी बताओ सर, अगर हम लोग इंटरनल वाले प्लेट्स के गॉसियन सरफेस लें एक सिलेंडर टाइप से, तो उसमें टोटल इंटरनल चार्ज तो अभी भी जीरो आएगा, तो यहाँ पे गॉस लॉ मतलब वर्क नहीं करेगा, चोरी कर रहा है मतलब यूजफुल नहीं होगा, वो भी होगा क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना और टोटल क्यू इनक्लोज तो जीरो आ गया। ये तो कल भी कहा था बच्चा कि अगर गॉस लॉ का राइट साइड जीरो आ रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। नहीं मतलब सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे निकाल नहीं पाएंगे ना उससे, निकाल भी लेंगे क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म पैटर्न पे बनती है ना, तो ये तो सिमेट्रिकल केस है। सर ई डॉट डीए वाले से निकाल लेंगे। हाँ आधा सिलेंडर लेना पड़ेगा बीच। हाँ मैं उसको करना नहीं चाह रहा, मैं पता होता रहा, मैं उस कंफ्यूजन से हटने के लिए बोल रहा हूँ आपको, बात मानू, मैं सिर्फ इस बात पर फोकस करना चाहता हूँ कि ये याद रखिए बस। क्योंकि इसके दो बड़े एडवांटेज है, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से ये फॉर्मूला बदलता है और ना डिस्टेंस के हिसाब से बदलता है। फाइनली यार ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में बताओ इंटीग्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड और हम जा भी राइट साइड रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा इस पर। और इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, तो q बाई ए एप्सिलॉन जीरो और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और यहां से q डिवाइडेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कभी कभी डेल्टा वी भी लिखते हैं, q बाई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बनती है ए एप्सिलॉन बाय डी, जिसको आप पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस भी बोल देते हो। Capacitance is Q bar delta V, which is A epsilon naught by D. ठीक है जी, बोले बताए। Yes sir. Yes sir. Sir. जी बताओ। सर अगर एक सिंगल कंडक्टिंग प्लेट है उसमें नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी पर अंदर तो कुछ रह जाएगी ना, जीरो नहीं होगी। एक मिनट बच्चा, सिंगल क्या है? सिंगल कंडक्टिंग प्लेट और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे होगा वो? सिंगल कंडक्टिंग प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा कैसे, क्या किस रीजन की वजह से? कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फिर वो सिंगल, तो इसका मतलब इंड्यूस चार्ज हुआ। यस सर। अब इसमें क्या डाउट है? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पर अंदर कुछ रह जाएगी ना, प्लेट के इनसाइड जीरो रहेगी, मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जीरो के अलावा कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड रह ही नहीं सकती है भाई, मैं ये तो बोला आपसे। कोई भी क्वेश्चन ले आओ, कोई भी सिचुएशन ले आओ, आप एक बात तो बिल्कुल डंके की चोट पे कहो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही होना है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिखा दिया आपने अंदर तो फिर इसका मतलब फोर्स दिखा दिया, तो हम 400 साल पुराना न्यूटन लॉ वायलेट नहीं कर जाएंगे कि फोर्स लगने के बाद भी पार्टिकल रेस्ट पे कैसे दिखा रहे हो। इसमें डाउट मत लाओ, फिर बोल रहा हूँ आपसे, आपके मन में ये डाउट जरूर आएगा कि यार ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया था आपसे कि वो जो चार पांच प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं, उन चार प्रॉपर्टीज पांच प्रॉपर्टीज को आप ईमानदारी से एक्सेप्ट करिए कि यही चीज होती है। तो जो भी आर्ग्यूमेंट देना है, जो भी आंसर देना है, असर्शन रीजनिंग हो, ट्रू फॉल्स हो, सिंगल करेक्ट हो, वो पांचों पॉइंट्स वायलेट नहीं करने चाहिए आपको। अगर वो पांचों पॉइंट्स आप सेटिस्फाई कर रहे हो जो स्टार्टिंग में लिखाए थे, तो आप जो भी आंसर दोगे गारंटीड सही आंसर आएगा।
अब यार एक प्रॉब्लम पूछते हैं यहाँ पर कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर हमने +5 कूलम्ब या +5 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज दिया और एक प्लेट पर हमने कुछ मान लो -2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज दिया और इस सिस्टम की जो कैपेसिटेंस है, सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो भी आपको डिफाइन किया गया है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है सपोज 2 माइक्रोफेरेड के हिसाब से कैपेसिटेंस की वैल्यू, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, सीधा सा क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या दिया हुआ है आपको, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि कैपेसिटेंस मतलब एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव वो बराबर होना चाहिए, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड का मतलब क्या इंफॉर्मेशन हुई है, किस चीज के बारे में बताया जा रहा है आपको, कैपेसिटेंस का ये मतलब थोड़ी हो गया कि आप मतलब मन में डाउट क्या आता है ना यार, ये कैसा कैपेसिटर है जिसमें एक पे प्लस एक पे माइनस है लेकिन चार्जेस बराबर नहीं है, तो ये कैसा कैपेसिटर, तो जब आपसे ये कहे ना किसी क्वेश्चन में ये कहे कि कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि वो आपको इस टर्म की वैल्यू बता रहे, ए एप्सिलॉन बाय डी की वैल्यू बता रहे सिर्फ, और कुछ नहीं बता रहे, जब आप ये कहते हो ना कि इस सिस्टम की कैपेसिटेंस इतनी है तो कैपेसिटेंस कहने का मतलब आपने इस तीनों प्रोडक्ट मतलब एरिया एप्सिलॉन और डी इसका रेशियो डिफाइन कर दिया कि ये रेशियो 2 आएगा, और कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस सुनने का ये मतलब ने कभी मत निकालना कि देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वो तब आएगा जब आप बैटरी यूज करेंगे यहां पर, तो किसी भी न्यूमेरिकल में तुमको अगर कैपेसिटेंस दिया है okay. तो सिर्फ ये मान लेना कि हमें ए एप्सिलॉन बाय डी की वैल्यू दी गई है, इससे ज्यादा इस कैपेसिटेंस वर्ड का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना कि मुझे आपने ए एप्सिलॉन बाय डी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी और कोई मतलब नहीं इसका। अब मैं अपने कंसेप्ट पर आ गया, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसके हिसाब से निकालूंगा, दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक में न्यूमरेटर में, एक के न्यूमरेटर में यहां पर 5 आएगा, एक के न्यूमरेटर में यहां पर 2 आएगा और ऐड हो रहे दोनों, तो मेरे को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा यहां पर 7/2a ε0। ये स्टेटमेंट समझ आया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली ये कैसे लिखा जा रहा है? Yes, sir. हाँ, sir. और यूनिट क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल यूनिट्स होती हैं वोल्ट पर मीटर, बट क्योंकि चार्ज को माइक्रो कूलम में लिया है आपने तो ये बनेगा माइक्रो वोल्ट पर मीटर, सिंपल से। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं करना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो ये वैल्यू कितनी रख दिया बताओ, सिर्फ इसकी वैल्यू दी गई है कैपेसिटेंस बोल करके, कितना रख देंगे बताए इसको, A7/4 और ये भी माइक्रो है ऊपर भी माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर वोल्ट में आ जाएगा। लोग कैपेसिटेंस सुनते ही ना उनके दिमाग में फॉर्मूला क्या घुसता है, कैपेसिटेंस सुन लिया तो फॉर्मूला कौन सा दिमाग में गया, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्यू बाय सी, ये चला जाता फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला दिमाग में चला गया तो ये परेशान हो गए कि क्यू क्या लेंगे, एक पे 5 एक पे माइनस 2। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कैपेसिटेंस मतलब ए एप्सिलॉन बाय डी, इसके अलावा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक नाम है सर। सर अगर ये फॉर्मूला लगाना है Q = CV तो Q अगर हम इनर जो फेसिंग चार्जेस है उसको लगा या तो वो कर लें आप, हाँ ये कर सकते हैं कि अगर आप इससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी चाहते हो
तो यहाँ क्यू का मतलब बदल दीजिएगा, फिर ये क्यू अंदर वाला चार्ज होगा, या तो फिर ये काम करो, ये हो सकता है भाई, या तो आप इस प्रोसेस से जाओ, या अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो आप फिर क्यू जो लेंगे ना वो इनर साइड का चार्ज ले, अंदर वाले चार्जेस। अब अंदर कितना चार्ज जाएगा उसके लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूट करके देखो जरा, प्लस फाइव और माइनस टू का टोटल थ्री, उसका आधा आधा करो 1.5 1.5। अब अंदर कितना चार्ज आएगा बताओ, 3.5। तो ये कर सकते हो, 3.5 ले सकते हो यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 2, ये सेम ही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? या तो आप पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये बेसिक यूज कर लो, या फिर आप एक रेडीमेड फॉर्मूला कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यू अपॉन कैपेसिटेंस है, लेकिन जब इसको यूज करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि नाउ दिस क्यू मींस द चार्ज ऑन द इनर साइड। ठीक है जी, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही है यार सर।